नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए द्वारका की सेक्टर 12 लोकेशन का एक ज़बरदस्त पार्क फेसिंग फ्लैट लेके आए हैं। द्वारका सेक्टर 12 के फ्लैट बहुत ज़्यादा लोग डिमांड में लगते हैं और यहाँ से काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। स्कूल्स पास में हैं और मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा पास में है। ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पड़ती है, मार्केट बिल्कुल डोर स्टेप पर आपको मिल जाती है। तो इन्हीं सारे रीज़न्स की वजह से द्वारका सेक्टर 12 काफ़ी अच्छा नाम कमा के बैठा है। और यहाँ पे जो आज हम फ्लैट लेके आए हैं, इसके अंदर आपको अभी फिनांसर द्वारा कोई काम नहीं करवाया गया है इसके अंदर, तो आप अपने मन का काम करा सकते हैं। तो अभी जो प्राइस इसमें हमें मिल रहा है वो बिल्कुल ओनर वाला प्राइस मिल रहा है, तो अच्छा प्राइस का फ्लैट है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बढ़िया चीज़, ये सोसाइटी का इंटरनल पार्क है, सामने टेम्पल दिख रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी बालकनी से ही देख सकते हैं। आइए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ, रूम साइज़ क्या है, कैसा काम अभी हो रखा है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा फ्लैट का एंट्रेंस। यहाँ से हम फ्लैट के अंदर चलेंगे। हर फ्लोर पे हमें लगभग मोटे मोटे चार फ्लैट मिलते हैं और यहाँ तक आने के लिए एक ही लिफ्ट होती है। यहाँ से आएंगे आप आपके फ्लैट के अंदर। इस फ्लैट के अंदर काम काफ़ी अच्छा है, बट आप इस काम को चेंज करवा सकते हैं। अभी मैं इस पॉइंट पे खड़ा होकर आपको बताता हूँ इसकी सारी की सारी लेआउट और प्लानिंग कैसे और क्या है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारा लिविंग हॉल है जिसके अंदर शानदार सोफ़ा सेट आपको लगा दिख रहा होगा, तो ऐसा ही आप भी लगवा सकते हैं। सेकेंड चीज़, एक रूम हमारा बिल्कुल वहाँ पे एंट्रेंस के पास में मिल जाता है और बचे हुए दो रूम्स यहाँ पे मिलते हैं, प्लस एक एडिशनल स्टडी या फिर बेडरूम, आप उसको जो भी कंसिडर करना चाहें, एक स्पेस वो मिल जाता है। यहाँ पे किचन स्पेस है, यहाँ पे टेम्पल स्पेस है। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। अब मैं आपको रूम साइज़ के साथ में सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा हमारा लिविंग हॉल है, इसका डायमेंशन आपको मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 22 फीट का आपको साइज़ मिलता है, जिसमें आपका लिविंग एरिया प्लस आपका डाइनिंग एरिया अरेंजमेंट बन जाता है। डाइनिंग एरिया किस तरह से प्लान्ड है, यहीं पे आपका डाइनिंग एरिया प्लान्ड है। इसके अंदर आपका बेडरूम का एक्सेस इधर से मिल जाएगा, प्लस आपका पूजा रूम का यहाँ से स्पेस बना रखा है। यहीं से सामने की ओर देखते हैं तो आपको ये ब्यूटीफुल सा पार्टीशन दिखेगा आपकी किचन के और आपके लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया के बीच में। ये हमारी किचन है, अगर इसको नंबर्स में देखते हैं तो ये 11 फीट के आसपास ऐसे मिलेगी आपको, और चौड़ाई में देखते हैं तो ये आपको मिलेगी 7 फीट। तो 11x7 की हमारी किचन स्पेस है और किचन में बहुत बढ़िया काम किया गया है। हल्का बहुत टचअप एंड रिपेयर करा के आप इसको एज इट इज़ यूज़ कीजिए, बिकॉज सच में बहुत प्रीमियम काम करवाया गया होगा जिनका भी ये फ्लैट था उनके द्वारा। ये जो रूम है, इसका डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ। अभी तो सामान इसमें खचा खच भरा हुआ है तो आपको खास नहीं समझ में आएगा, बट स्टिल इसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है और यहाँ से लेकर वहाँ तक का डायमेंशन देखते हैं तो 11 फीट है। चौड़ाई आप इसकी देखते हैं तो लगभग 10 फीट है, 11x10 का ये रूम है। सेकेंडली, इसमें एक अटैच वॉशरूम मिलता है, आ जाइए। ये इसका अटैच वॉशरूम है 6x5 के साइज़ में। वापस निकलते हैं बाहर तो इसी के अंदर आपको एक वार्डरोब इधर मिल जाएगा, और हल्का पीछे जाते हैं तो सामने की ओर इसमें एक अटैच बालकनी मिलती है। मैं तो नहीं जा सकता, बट आप लोग जा सकते हैं। तो ये अटैच बालकनी मिलती है जिसमें राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं तो हमें बाहर का व्यू मिलेगा, बाहर यानी कि सोसाइटी का, पार्क का जो व्यू है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप आते हैं आगे, और आगे आने के बाद में अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके बचे हुए स्पेस में। आपका बचा हुआ स्पेस यानी कि आपका बेडरूम नंबर 2, ये बड़ा बेडरूम है, इसमें आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप स्पेस देखते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त स्पेस मिलेगा, 12 फीट बाय 13 फीट के आसपास का। हल्का आगे आए एक बार, ये जब आप ब्लाइंड्स हटा देंगे तो आपको बहुत अच्छी लाइट मिलेगी आपके रूम में। एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है इसमें हमें, एक बार पीछे जाएंगे तो जी हाँ, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बालकनी है अच्छी खासी, और इस बालकनी से अगर आप व्यू देखते हैं सामने का तो नीचे कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, गाड़ियों की ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग मिलेगी, एक गाड़ी से ज़्यादा भी अगर आप पार्क करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी आपको 2 गाड़ी की पार्किंग भी मिल जाती है। ये सभी सोसाइटीज़ के अंदर कंसेप्ट होता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी पे आपको 1 गाड़ी और 2 गाड़ी और की पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे वार्डरोब का अरेंजमेंट है, इधर में आपका
अटैच वॉशरूम है 8 फीट बाय 5 फीट के साइज में या 6 फीट के साइज में। यहाँ से हमारा बेडरूम नंबर 3 आ जाता है। ये बेडरूम नंबर 3 है अगेन विद अटैच वॉशरूम। तो आपको लगभग तीनों ही बेडरूम्स में, अभी तक जितने बेडरूम्स आपने देखे हैं सभी में आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। ये ऐसे मिलेगा आपको 12 फीट और ऐसे मिलेगा 11 फीट। इसमें भी अटैच वॉशरूम इस तरफ आपको मिल जाता है, देख लीजिए। ये आपका अटैच वॉशरूम नंबर 3 है। इसके बाद इस रूम में आपको ये मैसिव बड़े साइज का वार्डरोब मिलता है दोस्तों, कसम से। मतलब ये वाला जब आप काम करवाने लगोगे ना, ये सच में क्वालिटी वर्क है और आप इसको करवा के देखिए, बहुत तगड़ा बिल बनता है इस वाले काम का। और यहाँ पे आपको करा कराया मिल रहा है। जितना आप इंटीरियर में पैसा लगाने का प्लान करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। आप इसको एज इट इज़ यूज़ कीजिए, टचअप एंड रिपेयर करा के। कुछ बहुत मुझे हल्के फुल्के टचअप की रिक्वायरमेंट पूरे फ्लैट में ही दिख रही है, लेकिन वो आपको करवाना ही होता है कोई भी आप रीसेल की प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट एंड एक्सटेंडेड एरिया है, एक्सटेंडेड अप्रूव्ड एरिया। तो इस वाले पोर्शन को आप चाहें तो अपने फोर्थ बेडरूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो स्टडी रूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने मेन बेडरूम को बहुत बड़ा बेडरूम बना सकते हैं इस पूरे एरिया को मर्ज करके। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इस फ्लैट के अंदर। काफ़ी बढ़िया फ्लैट है सेक्टर 12 का। इस वाले रूम का साइज़ बताना मैं आपको भूल गया, साइज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये 14 फीट है और ऐसे अगर आप देखते हैं तो 10 फीट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फ्लैट जिसके अंदर आपको सारा काम लगभग करा हुआ मिलता है। अगर आप इस फ्लैट को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोड हमने हमेशा की तरह एक्सट्रीम यहाँ पे इस तरफ डाल दिया है। इसके आगे जो नंबर है वो इस प्रॉपर्टी का कोड है। द्वारका की सेक्टर 12 लोकेशन का फ्लैट है ये, आप इसे विजिट कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके अपनी विजिट को बुक कीजिए। और इस स्पेसिफिक फ्लैट की विजिट सैटरडे संडे छोड़ के भी हो जाएगी, तो फील फ्री टू विजिट दिस फ्लैट। बाकी आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।